अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर साइंस टीचर ग्रेड टू। इन टूडेज क्लास वी विल बी स्टार्ट फर्स्ट सेमिस्टर थर्ड मंथली असिस्मेंट। सो वी विल बी स्टार्ट रीडिंग बुक पेज नंबर 44, यूनिट नंबर 6, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड ठोस, लिक्विड माया एंड गैस। What is matter? Matter की जो definition होती है वो है solid, liquid and gases are called matter. So start the reading. We use different types of objects in our daily life. हम बहुत सारे जो objects हैं वो अपनी daily life में use करते हैं। Different materials are used to make this object. मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल होता है, मवाद होता है जो हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वुड, ऑयल, विंड, एनर्जी, नेचुरल गैस, आयरन एंड कॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, हवा, वाटर, पानी, फॉरेस्ट, जंगल, वुड, लकड़ी, ऑयल, विंड, एनर्जी, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, आयरन और जो कोयला है, ये सब हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए। सम मटेरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो मटेरियल है वो हमें हासिल होता है प्लांट्स से एंड एनिमल्स, पौधों से और जानवरों से। सम मटेरियल्स आर डग आउट ऑफ द ग्राउंड। और कुछ मटेरियल जो होता है वो जब ज़मीन की खुदाई होती है उससे हासिल हुआ। दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स फाउंड इन नेचर दैट हुमन यूज। नेचुरल रिसोर्सेज नेचर में पाए जाने वाले मटेरियल हैं जो इंसान इस्तेमाल करते हैं। प्लांट गिव अस फाइबर सच एज जूट एंड कॉटन। फ्रॉम प्लांट्स वी आल्सो गेट वुड। प्लांट से हमें हासिल होता है फाइबर, जूट और कॉटन।